अभी डेढ़ बज चुका है। आई नो मैं थोड़ी लेट हो गई हूँ, बट मैं नीचे बैठ जाती हूँ। गर्मी तो इतनी हुई पड़ी है कि मैं क्या ही बताऊँ। आज मेरा फास्ट है, आपने देख ही लिया होगा, टीका लगा हुआ है, घर पे ही पूजा वूजा करी है। आज मैंने आई डोंट नो लास्ट ईयर जो करवा चौथ था तब मैंने फास्टिंग की थी, करवा चौथ और होली का जो फास्ट था, उसके बाद मैं सीधा इस साल फास्ट कर रही हूँ। बिकॉज यू नो आई एम अ मदर नाउ। स्टार्टिंग का जो एक साल था वो बहुत ही ज़्यादा टफ था, उसमें मैंने करवा चौथ कैसे तैसे रख लिया बिकॉज दैट वॉज नेसेसरी। मेरा मन बहुत होता था बट हिम्मत नहीं होती थी, बट क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है फास्टिंग करना एंड आई फील सो पीसफुल एंड अलग ही एक एनर्जी होती है जब फास्ट होता है। बहुत टाइम से ऐसा हो रहा था कब आएगा फास्ट और कब नवरात्रे और जन्माष्टमी वगैरह ये फेस्टिव सीजन शुरू होगा, और एक अलग ही पॉजिटिविटी आती है मुझे। बचपन से ही मुझे फास्ट रखने में बड़ा आनंद आता है। ये मैंने एक्चुअली अपने घर से ही सीखा है। मेरी जो दूसरे नंबर की सिस्टर है, गीता नाम है उनका, तो बचपन से मैंने उन्हें देखा है रखते हुए, और वो बहुत ही ऐसा रिगोरियस सा फास्ट रखती थी। मतलब कुछ नहीं खाना, बस एक या दो केले पूरे दिन में। मुझे बड़ा मन करता था कि मुझे भी रखना है ये फास्ट, ऐसे फास्ट रखने हैं, तो मैं रखती थी उस टाइम पे भी। तो तब से मुझे आदत पड़ गई फास्ट रखने की और अच्छा लगता है। ये जो प्रिपरेशन थी जन्माष्टमी की शुरू कर दी थी 3-4 दिन पहले से ही, मैंने एक्चुअली क्लिप भी डाली दी थी। मैंने नींद में ही उसको कुछ कुछ कुमकुम वगैरह और लगा दिया था। एक्चुअली वो कुमकुम नहीं थी, वो नेल पेंट था, क्योंकि मैं वो कुमकुम है भी। मैं कोशिश कर रही थी उसको कुछ पहनाने की और वो नींद में ही उसने हाथ से निकाल दिया। और नो मतलब वो बहुत ही ज़्यादा ऐसा है कि पता नहीं, बच्चे ऐसे ही होते होंगे, मुझे तो अपने बच्चे का ही पता है, और अपने बच्चों का तो मैं कुछ कह नहीं सकती। ही इज लाइक मतलब बहुत ऐसा लगता है मेरे पे गया है। कि मतलब ये नहीं और वो नहीं, वेरी चूजी। उसकी कपड़े भी मंगवा, ऑनलाइन मंगवा दिया एंड ऑनलाइन कपड़े बहुत मुझे अच्छे लगे, मैं दिखाती हूँ, मतलब मुझे मन है दिखाने का। तो एक सेकेंड, 2000 years later राइट, सो मैं दिखाने वाली थी। सबसे पहले जो बॉटम है इसका, दिस धोती, ये धोती बहुत ही मतलब प्यारी है। एक्चुअली मैंने साइज थोड़ा बड़ा मंगवाया, छोटा एक्चुअली था भी नहीं, 2-3 years का मंगवाया था। मुझे लगा शायद धोती टाइट नहीं होनी चाहिए, ऊपर वाला मैं ना भी बनाऊँ तब भी चल जाएगा। तो ये बहुत ही प्यारा है, इसमें ऐसे गोटा वोटा भी लगा हुआ है सब। एंड द सेकेंड वन इज दी कुर्ता, जो थोड़ा बड़ा है कुकू के लिए, विच इज़ फाइन, अगले साल भी काम आ जाएगा। Nice. मतलब कपड़ा भी अच्छा है, और शॉप में गई थी वहाँ पे इतनी गंदी क्वालिटी मिल रही थी, और मैंने प्राइस तो नहीं पूछा बट 300-400 से कम तो कुछ मिलता नहीं है, एंड इट इज 250 के अराउंड था ये, तो मुझे बहुत ही अच्छी डील लगी। एंड सॉरी, इसके साथ ये पता नहीं गमछा छा पेट में बांधने के लिए होता है, ये बाजू अटकाने के लिए, ये भी बहुत प्यारा है। मतलब क्वालिटी एक्चुअली बहुत अच्छी है। तो और ये है मुकुट, हालांकि मुकुट मैं लेके आई हूँ, वो पहनेगा नहीं पहनेगा आई डोंट नो, ये कपड़े का मुकुट है और ये बहुत ही प्यारा है। इसमें छोटा सा आगे क्या नाम है वो भी बना हुआ है, पंख भी है साथ में, तो विच इज गुड। तो ये कितनी चीज हो गई, तीन, तो चौथा ये हो गया, एंड फोर्थ इज द क्यूटेस्ट वन विच इज द बांसुरी। और ये बांसुरी देखो कितनी प्यारी लग रही है, छोटू सी बांसुरी है और इतनी प्यारी लग रही थी। तो मतलब 4-5 जो चीजें आपको मिल रही है सिर्फ 250 में, विच इज़ द ग्रेट डील। और मैं शॉप से जो लेके आई थी वो थी ये माला, माला मेरे पास ऐसी मतलब पर्ल में नहीं थी, पर्ल में जो नेक पीस मुझे मिला है, तो दो मंगवा लिए थे मैंने पंकज से, तो साथ में वो
ये हाथ का भी ले आया था, तो ये दो हाथ के भी। हाँ, मेरे पास है सब कुछ, बाकी लेट्स सी हाउ कुकू विल रिएक्ट। अभी मैंने बस कह सकते हैं कि उसकी कुमकुम लगा दी है। कोशिश कर रही थी इसको भी पहनाने की, धोती पहना दूं, बट वो थोड़ा सा उठ गया, तो मैंने कहा चलो भैया शैतान जाग गया है। पहले उसको दूध दूध वूध दे दिया, वो पी रहा है। लेट्स सी अभी उठ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो मैं अभी मिशन में फिर से लग जाऊंगी। तो ठीक है, अभी बहुत सा काम है, कुकू को तैयार करना है, मैं भी सोच रही हूँ खुद तैयार होने की, तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं है। तो मैं, और हाँ मेरी शिफ्ट भी है सबसे बड़ी बात, 2 बजे मेरी शिफ्ट स्टार्ट हो जाएगी, सो जल्दी जल्दी 1-1.5 घंटे में मुझे निपटाना है। सो सी यू सून, बाय, राधे राधे। ये माला कुका उठ गया है, मैंने कहा था ना कुका उठ जाएगा, अब नहीं उठेगा तो कब उठेगा कुका। ये चप्पल देखो उल्टी कर दी आपने, आपको पता है आपकी शक्ल कैसी होली है, आपकी मम्मा ने आपके साथ क्या किया है छोटे छोटे। गंदा गंदा बच्चा, गंदा बच्चा। इतना पाला पाला बच्चा है, जब कुछ कपड़े पहनाती हूँ तब काय गंदा हो जाता है, 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 गंदा बच्चा गंदा। राधे राधे कर दो कुका, राधे 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 कर दो, राधे राधे कर दो, राधे राधे चमचे मिला दे, राधे राधे चमचे मिला दे। चलो आज आपको कृष्णा बनाएंगे, कृष्णा कृष्णा बनाएंगे, हमारा साथ दे देना, ठीक है, साथ देना जरूरी है। पंखा देखता रहेगा, घूमता हुआ पंखा, क्या अच्छा लगता है घूमते हुए पंखे में, हर घूमती हुई चीज देखता है। पाला पाला बच्चा है मेरा, पाला पाला किचना है मेरा, किचना तैयार करना आपको, फटाफट तैयार हो जाओ, चलो चलो तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। देखो ये देखो, इधर नहीं देखना गंदा। Much, much, much later. Oh my God! It was a hustle with Cuckoo. मतलब photo shoot कराना is like, क्या बोलूँ मैं? बहुत time बाद मैं ऐसे तैयार हो रही हूँ, ऐसे photo shoot और ऐसे reels reels बनाने के लिए specially. वो यादें बहुत पुरानी हो गई हैं. मेरा fast भी है. Actually Cuckoo बहुत ज़्यादा थका देता है. I was aware. कि ऐसा होगा, ये सुसु कभी पॉटी कभी क्या कभी क्या, पहले ही ऐसे जान कम है, ऊपर से अटायर पहनना, उसको तैयार करना सबसे बड़ी बात, वो पहनने को तैयार नहीं हो रहा था कपड़े, जैसे मैंने पहनाया है कार्टून वगैरह दिखा के उसको। अब ठीक है, जो होता है जो हुआ है उतना ही, मतलब मैं खुश रहती हूँ अब तो, ज़्यादा ऐसे उम्मीद नहीं करती। जब बच्चों के साथ कुछ करना होता है ना तब ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करनी नहीं चाहिए। एकदम से बताए मौसम ऐसे बदल गया, बादल हो गए और एकदम धूप ऐसे कड़ाके की आई हुई थी, और अब देखो
वैसे आज जन्माष्टमी है तो बारिश तो आनी बनती है।